गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती है आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सारे काम निपटाने के बाद और हमने खाना ना बना लिया है, सभी को दे भी दिया है। और मम्मी ने बहुत सारे उड़द उखाड़ के रखे हैं और पानी में सारे ख़राब हो गए। वैसे बहुत अच्छे थे हमारे, इस टाइम बारिश हो रही थी और उस टाइम फूलों पर थे, फली लग रही थी, सारे ख़राब हो गए, बहुत कम निकल रहे हैं। तो उन्हें तोड़ दी हैं फलियाँ उसकी। तो खाना बना लिया, अब हम भी चलेंगे बाहर तोड़ेंगे बैठ के। और हमने चाय भी नहीं पी थी तो इधर हम चाय भी पी रहे हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। मम्मी तोड़ रही हैं, मम्मी उखाड़ रही हैं, बाहर डालेंगे तो हम सभी लोग बैठ के तोड़ेंगे और थोड़े वो निकल आएंगे। फिर जो उड़द की दाल होती है ना, उस वही उड़द है ना, काली वाली दाल जो बोलते हैं वही हैं। और ये सावन के बाद भादों वाले भदैया वाले बोलते हैं ये भादों वाले उड़द। और जो जेठ बैसाख वाले होते हैं ना, गर्मियों वाले, मई जून वाले, वो दूसरे होते हैं। और जो इस टाइम होते हैं वो दूसरे होते हैं। और इसी की दाल बनती है। तो इसकी हम लोग मिथोरी बना लेंगे क्योंकि इतने अच्छे नहीं होते ना, बारिश की वजह से ख़राब हो गए हैं। तो चलते हैं फिर बाहर। और मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में एक बार ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं बाद में बाहर। मम्मी कल बात करी जो भी कर तो इधर देख सकते हो हम लोग पहुंच गए थे बाहर, फली तोड़ रहे थे। और इधर मम्मी कुछ हाँ सेब खा रही हैं। और सौरभ भी बैठा, मेरा बेटा भी आ गया था स्कूल से, एक बज गया था, वो भी बैठा था। और इधर हम लोग भी बैठे, ये हमारा भांजा है जो रेड कलर की टी शर्ट पहने, भांजा है। और इधर हम सभी लोग तोड़ रहे थे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि फली तोड़ रहे थे, सब ख़राब हो गए, इसमें कुछ भी ज़्यादा निकलेगा नहीं क्योंकि जो तोड़नी है फली थोड़ी बहुत सही है, उन्हें तोड़ लेते हैं। और उधर सोनी भी तोड़ रही, उनके पापा भी तोड़ रहे हैं और सोनी भी तोड़ रही है। वो अपने बाहर बैठी हैं, मैं अपने बाहर बैठे हैं। तो थोड़ी सी क्लिप हमने बना ली, ये देख सकते हो ये फली पड़ी है पैरों के पास में, नीचे डालते जा रहे हैं इसी में तोड़ तोड़ के। तो इधर सभी लोग मिलके तोड़ रहे थे फलियाँ ताकि जल्दी टूट जाएं। और उसके बाद मुझे पौधे भी लगाने, मेरे काफ़ी सारे पौधे रखे हैं लगाने के लिए, तो पौधे भी लगाएंगे। तो इसी वीडियो में आप देखिएगा, मैं पौधे भी लगाऊंगी। तो गाइस इधर मैं आ गई हूँ आंगन में और कुछ पौधे मुझे लगाने थे क्योंकि मेरे यहाँ पड़े हुए थे, मेरा बेटा लेके आया था। ये देखो ये है रजनीगंधा का, इसका नाम मुझे पता है, वैसे मुझे नाम नहीं पता होते हैं, ये है रजनीगंधा का। तो ये मुझे लगाना था मिट्टी में। और ये देखो, और ये भी है, ये डिब्बा में ऐसे हमने लगा दिए थे। ये है कड़ी पत्ता और हैं जो बेलपत्री नहीं होता, बेल हुआ, उसके भी बीज हमने डाल दिए थे। तो देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तो इन्हें भी मुझे ट्रांसफ़र करके मतलब दूसरे उसमें लगाने हैं। इसमें कई पौधे हैं, एक तो है कड़ी पत्ता का और चार पांच पौधे हैं बेलुआ के, बेलपत्री के। तो इन्हें भी अलग करना है, जो अच्छे अच्छे पौधे हैं ना, हेल्दी पौधे, वो लगा देंगे और हटा देंगे। तो देखो ना इस छोटे से डिब्बे में कितने अच्छे से लगे हैं, बहुत सारे बड़े भी हो गए, इन्हें अलग करेंगे। और ये पता नहीं क्या बोलते हैं, मिर्ची गुड़ैल, तो ये सौरभ लेके आए, हमारा बेटा लेके आए, तो इन्हें भी लगा देते हैं क्योंकि काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, मुझे मौका नहीं लग रहा था लगाने का। तो अब ये मिट्टी खोद के लाए हैं देखो, और मेरे पास पॉट नहीं है। तो ये देखो जो इन्वर्टर में पानी डालते हैं उसी की जो कैन थी, बोतल थी, उसी को हमने काट लिया, इसी में लगा देंगे। और सारे मेरे ऐसे ही हैं, या तो मैं तो घर पर बना लेती हूँ गमले, ऐसे लगा देती हूँ। और एक चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, आज नहीं करेंगे लेकिन किसी दिन करेंगे। तो आप खूब सारी मनी प्लांट कुछ बिना मेहनत के बहुत सारे भरे भरे गमले तैयार कर सकते हैं। तो मैं दिखाऊंगी मैं कैसे करती हूँ, किसी दिन दिखाऊंगी, आज ये पौधे लगा लेती हूँ फिर दिखाऊंगी, ठीक है? तो आपके बिना मेहनत में भरा भरा गमला तैयार हो जाएगा। और किस तरीके से, बिल्कुल भी मेहनत नहीं और नहीं खर्चा है, बस एक बार घर में आपके मनी प्लांट हो तो बहुत सारे गमले भर भर के बना सकते हो। तो मैं लगा लेती हूँ इधर, ये बाहर से मिट्टी लाए, इसमें पता गोबर की खाद भी है। इस तरह की टोकरी में लगाएंगे हम।
कितनी गंदा का है पौधा ये, उसके जो ये सड़े गले पत्ते हैं इन्हें हटा देते हैं। पौधा भी फ्री का है, बिना खर्च करे मेरा बेटा लेके आया है, अपनी मेम के यहाँ से ना पढ़ता है कुछ नहीं। इसमें पानी डाल देते, हमारा लग के तैयार हो गया है और इसे छोड़ देंगे छाया में, धूप में ना रखें। मुझे ज़्यादा गार्डनिंग आती नहीं है, बस देख देख के लगा देते हैं। और ये है, पता नहीं मिर्ची गुड़ैल बोलते हैं, मुझे पता नहीं, आप लोगों को पता है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। इसे भी निकाल के लगा देते हैं, पॉट वगैरह है नहीं। इसमें यही मिट्टी डालेंगे, यहाँ पता तैयार करके दे भी देते हैं, क्योंकि हम मेरे रखने की जगह नहीं है यहाँ पे, किसी को चाहिए हो तो ले जाना पौधे, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो, हमने लगा दिए हैं पौधे जो इसमें थे ना, ये बचा है इसका कड़ी पत्ते का, और एक ये और बचा है बेल पत्ती का पौधा, और इसमें सबने सारे पौधे निकाले हैं और जड़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं। और देख सकते हो ऐसे लगा दिए हैं, इसमें दो तीन इसमें हैं जो हो जाएंगे ख़राब, बड़ा वाला सही हो जाएगा तो इनको निकाल देंगे बाद में, और ऐसे ही इसमें भी लगा दिए। इधर तीन डिब्बे हमने तैयार कर लिए, ये हमारे जो वाइट वाले गुलाब होते ना छेने, उसके डिब्बे थे हमने रख रखे थे, उसी में लगा दिए हैं। और मतलब किसी को भी ज़रूरत होगी मुझे दे देंगे, मैं क्या करूँगी इतने पौधों का, इतनी जगह नहीं होती, लेकिन मुझे लगाने का शौक़ है तो मैं लगा देती हूँ। बीज किसी का भी बीज मिल जाए मैं डाल देती हूँ। और ये बेटा लेके आया था पौधा, उनकी मैम ने दिया था, तो ये मुझे पता नहीं मिर्ची गुड़ैल पता नहीं क्या क्या बोला मुझे मालूम नहीं। और ये था रजनीगंधा, इसी बड़ी जो पत्तियाँ थी वो मैंने कट कर दी हैं, और इसी को मैं एक डिब्बा और देखूँगी, कोई सा कैन पड़ी हैं उन्हें काट के लगाएँगे। और ये मेरी टोकरी थी ऐसी पड़ी हुई थी, तो ये तो मिल जाती हैं 10-20 रुपये की मिल जाती हैं, आप लगा सकते हो। और आपको पता होगा मैंने वीडियो बनाई भी थी, ये गमले जो थे हमने पहले अपने घर पे बनाए थे, और देख सकते हो मनी प्लांट हमारी इतनी बहुत ही अच्छी हो रखी है। तो मैं दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से बहुत सारी मनी प्लांट की है और बिना मेहनत के, तो फिर किसी और वीडियो में बताएंगे। और इसको और लगाना बाकी है मुझे, ये भी बहुत अच्छा पौधा हो गया, कई एक साथ इतने बड़े डिब्बे में कई सारे पौधे थे, देख सकते हो ये सारे इसी में थे, 10-12 पौधे थे तो मैंने अलग कर दिया। इसको भी लगाएंगे, तो इतने पौधे हमने लगाए हैं आज।